हेलो। हेलो हाँ पिंकू जी जी। मैडम जी, ये जैसे आपका हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है वी क्लिनिक से, है ना, दवाइयाँ लेने के बाद आपको आराम लग रहा है? जी मैडम आराम लग रहा है, बस एक दो दिन से थोड़ा दिक्कत हुई है, थोड़ा बॉडी अच्छा, टाइट हुई है, तो उसी चक्कर में। ओके ओके। अच्छा, लगभग जैसे दवाइयाँ आपने खाई तो आपको कितने प्रतिशत तक आराम लग रहा है? आराम है मैडम, लगभग 60% आराम है। अच्छा, 60% तक आराम है। अच्छा, जैसे जब हाँ आपने हमसे कांटेक्ट किया था तब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको, आप बता पाएंगे? जब कांटेक्ट हुआ तब मस्से की प्रॉब्लम थी, मस्सा मस्सा निकल आता था अच्छा, और और कटा 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 सा लगता था नीचे, और बहुत टाइट पोटी होती थी, तो मस्सा तो नहीं समझ में आता है। मस्से की जगह पे वहां पे जब वो क्या नाम है, कुछ हल्की सी खाल टाइप की समझ में आती है वहां पे। अच्छा, जैसे जो दर्द जलन होता था वो अभी नहीं होता है आपको, है ना? कटा कटा सा ही लगता है, अभी बता दो ना, वो 2-3 दिन से थोड़ा कोई कटा कटा सा लग रहा है और कभी कभी दर्द होने लगता है वहां अच्छा पे। अच्छा ठीक है। जैसे जो दवाइयाँ गई हैं आपकी उससे आपको काफ़ी आराम हो जाएगा, ठीक है? जी, और 2-3 दिन ठीक, से गैस भी बन रही है, गैस अच्छा अच्छा पेट खूब ठीक, टाइट टाइट सा रहता है। अच्छा, ठीक है। आपकी दवाइयाँ जैसे जो निकलेंगी इस बार, है ना, उसमें आपको काफ़ी आराम हो जाएगा, ठीक है? डाइट वगैरह मेंटेन करके रखिएगा आप अपना, ठीक? और बाद बाकी कोई परेशानी लगती है तो फिर बताइएगा हमको, ठीक है? ओके। यदि आपको भी पाइल्स फिशर फिशुला जैसी किसी भी बीमारी संबंधित कोई भी समस्या हो रही है, जैसे कि पेट का साफ ना हो पाना, फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना, या फिर रेक्टम एरिया में जलन का होना, लैटन के साथ में ब्लड का आना, या फिर रेक्टम एरिया में बॉयल्स का होना जिससे पस का डिस्चार्ज होना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं।